हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज देखिए मैंने स्टार्ट किया है क्रीम बनाने से। तो सबसे पहले मैं क्रीम को प्रिपेयर कर रही हूँ। आप लोगों को बता दूँ, क्रीम को प्रॉपर सेट रखने के लिए इसमें जो इस तरीके से आइस के ऊपर रखते हैं ना क्रीम, तो प्रॉपर सेट रहती है। और मैंने आज अपना जो केक बेकिंग का जो मेरा कॉर्नर है उसको थोड़ा सा डेक्योर किया है। आपको पूरा फाइनल लुक मैं थोड़ी देर में दिखाने वाली हूँ। ये मैं लेके आई थी मार्केट से फ्लावर ऑफ बंच, तो ये मैंने यहाँ पे इसको डेकोर कर दिया। और मैं आज वाइट फॉरेस्ट चॉकलेट केक बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं देखिए वाइट कंपाउंड का यूज़ करने वाली हूँ। वाइट कंपाउंड को मैंने जो है प्रॉपर अच्छी तरीके से गार्निश वो कर लिया है, इसको छोटे छोटे पीसेस में इससे घिस लिया है। और अब जो है कुछ कुछ मुझे बड़े पीसेस चाहिए होंगे डेकोरेशन के लिए, तो मैंने साइड में जो है ब्लेड नाइफ रखा है। तो इस तरीके से इसको जो है मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। सो देखिए छोटे छोटे पीसेस जो है डस्ट टाइप का मैंने इसको बनाया है। और अभी थोड़े से मुझे जो है लॉन्ग जो है इसके चाहिए पीसेस, तो मैं इस तरीके से इसको कर रही हूँ। सो आज मैं जो बनाने वाली हूँ वाइट फॉरेस्ट केक फर्स्ट टाइम, सो आप लोग प्लीज़ विश करेगा कि ये मेरा अच्छा बन जाए। ठीक है, थोड़ी सी चॉकलेट कम थी, कल इंशाल्लाह न्यू मार्केट जब मैं जाऊँगी तो लेके आऊँगी चॉकलेट, थोड़ी सी चॉकलेट थी। तो इसमें पूरा भर भर के चॉकलेट जितना लगता है उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट इंग्रेडिएंट्स हो के आता है। सो देखिए थोड़ा सा मेल्ट ही हो रहा है बिकॉज इसलिए कि इसको मैंने फ्रीज में नहीं रखा था, बाहर रखा हुआ था, तो इस वजह से। तो अगर आप ग्लव्स पहन के करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। तो देखिए मैंने ये पीस जो लिया है रोज़ेस का बंच, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेश दिखाई दे रहा है। ये मैंने कल ही लिया था और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे लिया था। आपको बिल्कुल भी बिलीव नहीं होगा कि ये कितने का होगा। आप लोग मुझसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट में, मैं आपको बता दूँगी। और कहाँ से लेना है ये कोलकाता के लोगों को बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। सो देखिए फाइनल लुक मेरा कॉर्नर का। सो यहाँ पर मैंने जोया के कॉर्नर लगा दिया है और साइड में मैंने जो है वो जो है हैंगिंग प्लांट भी लगा दिया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वाइट फॉरेस्ट केक का जो बेस होता है वो नॉर्मली बहुत प्लेन होता है, सिंपल होता है, बट मैंने इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का यूज़ किया ताकि टेस्ट वाइज थोड़ा सा अच्छा आ जाए। जैसे कि इसमें टूटी फूटी मैंने डाला है, तो इससे क्या होता है कि टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होकर आता है और लुक वाइज भी अच्छा लगता है जब इसकी कटिंग होती है। सो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे बोर्ड का यूज़ किया। ये मैं सोचिएगा कि ये बोर्ड जो है मैं हाइजेनिक यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने प्रॉपर दो बोर्ड मंगवाए थे केक के लिए ही। सो इस तरीके से मैं इसका यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ना फाइबर पे क्या होता है ईजिली सही रहता है, वॉशेबल रहता है, क्योंकि मैं रोज़ ही बनाती हूँ इस तरीके से पेस्ट्री केक। तो उसके लिए अगर मैं वैसे बेस यूज़ करूँगी तो वो ज़्यादा सही नहीं रहेगा, ड्यूरेबल नहीं रहेगा, एक बार में वो ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से ये सही रहता है। एक बार में मैंने इन्वेस्टमेंट कर लिया 90 रुपीज़ का और अभी तक मुझे आराम से मैं इस पर 100 केक बनाऊँगी तो कोई मसला नहीं है। केक बेस का यूज़ करती हूँ मैं जब केक का ऑर्डर होता है, बट अभी जब ये मुझे पेस्ट्री के लिए घर पे ही कटिंग करना है तो मैं इसी का यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से वाइट फॉरेस्ट केक में वाइट से आपको लेयरिंग करनी है। एंड यहाँ पे देखिए मैंने एक के ऊपर एक रखा है और लास्ट वाले में मैंने थोड़ा सा जो मेल्ट करके रखा था ना दूध के साथ वो मैंने इसमें डाला है ताकि टेस्ट वाइज अच्छा हो जाए। बट मैंने इसको सबसे फर्स्ट उस पर ही डाला है। इसको तीनों लेयर में जब डालते तो और भी ज़्यादा टेस्ट अच्छा होता, बट मैंने जैसे आपको बताया छोटा सा ही कंपाउंड था मेरे पास, तो इस तरीके जो है मैंने थोड़ा सा ही यूज़ किया है। और बाकी फाइनल लेयरिंग के लिए आप देखिए खूब सारा भर भर के आपको क्रीम लगाना है और क्रीम की जो है आइसिंग इसी तरीके से करनी है आपने बिल्कुल बराबर करके। और देखिए मैं फटाफट कर रही हूँ क्योंकि अब मेरे को बहुत ज़्यादा हैबिट भी हो गई है। 50 to 60 केक्स और पेस्ट्री दोनों मिला के मैंने अभी तक बना लिया है, सो बहुत अच्छा मेरे को हैबिट हो गया है। सो अभी फाइनल लुक आपको थोड़ी देर में दिखाऊँगी।